हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? एंड वंस अगेन आई एम वेरी हैप्पी एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. सुबह सुबह आज मेरी क्लास है नियोनेटोलॉजी की, जो पीडियाट्रिक्स का ही एक पार्ट मान सकते हो आप. उसके बाद मैं जाऊंगा अपनी मेन बिल्डिंग, जो कगमा की मेन बिल्डिंग है, वहाँ पे जो एकेडमी है ना मेरी मेन यूनिवर्सिटी, उसके बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ना वो पूरे बिस्केक में फैले हुए हैं. तो उतना पॉसिबल नहीं है कि आपको मैं सारा डिपार्टमेंट और सारा हॉस्पिटल दिखा सकूं. बट जो मेन बिल्डिंग है ना, जो कगमा का मेन बिल्डिंग है, मेन कैंपस, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा आज इस वीडियो में, ठीक है. और जैसे कि एक कगमा का फर्स्ट ईयर, जो बच्चे कगमा में फर्स्ट ईयर में आते हैं फॉरेन फैकल्टी के स्टूडेंट्स केवल, वो लोग वरनशोफका में पढ़ते हैं, ठीक है. यहाँ पे वरनशोफका की क्लिप आ रही होगी आपको, ये देख सकते हो, वरनशोफका का कैंपस है. और जो सेकेंड ईयर से बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं मेन कैंपस में बिस्केक के, जो अखुनवाएवा शोविस्की स्ट्रीट पे लोकेटेड है. लोकल्स बच्चे हैं ना और फॉरेन फैकल्टी के बच्चे हैं, वो सारे सभी लोगों की क्लास यहीं चलती है मेन कैंपस में. Hi Sriman. Hi man. How are you? How are you? I'm fine man. Where are you going? I'm going to hostel. Okay, okay. Come with me. अभी गायनी क्लास थी और हमने आज पढ़ा हाइपरटेंशन इंड्यूस इन प्रेगनेंसी, प्री एक्लैम्शिया और एक्लैम्शिया, और इन सब चीज़ों पर डिस्कस हुआ आज. और अभी मैं जा रहा हूँ एकेडमी, जो मेन बिल्डिंग है कगमा की, वहाँ पे, ठीक है. फिर वहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितने डिपार्टमेंट हैं. एक्चुअली बहुत कम डिपार्टमेंट है वहाँ पे और ज़्यादातर क्लासेस बाहर ही लगती हैं एकेडमी की. Why are not coming? Come, we will go to either go. Adil, special. तो यार अभी आ गया हूँ मैं बस स्टैंड पे और जा रहा हूँ अपने मेन एकेडमी, जो मेन बिल्डिंग है, वहाँ पे कुछ बच्चे भी आए हुए हैं थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर के, जिनको आप जानते हो, वीडियो में देख चुके हो मेरे, ठीक है. पक्का आ जाओ श्रीमन, कम ब्रो फास्ट. और कुछ बच्चे मेरे ग्रुप के वो जा रहे हैं बस में, वो हॉस्टल के पास. तो आप ये जो देख पा रहे हो ना, ये है अखुनवाएवा रोड और ये है सोवेत्स्की रोड. तो उस पर हमारा एकेडमी सिचुएटेड है और ये रहा इधर मेन बिल्डिंग एकेडमी का. तो ये देखो, ये आ गया एकेडमी मेन बिल्डिंग. तो इनके ही नाम पे आई के अखुनवाएवा क्रिकेट स्टेट मेडिकल एकेडमी का नाम पड़ा है, ठीक है. ये उनकी स्टैचू है यहाँ पे कॉलेज के सामने, ठीक है. और बहुत सारे फ्लैग, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के फ्लैग लगे हुए हैं. और यहाँ पे मेन एंट्रेंस है हमारे कॉलेज का, और यहाँ भी इस साइड में भी बहुत सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं एकेडमी में. ये देखो प्रशस्ति वगैरह आ गए हैं अपने क्लास करके.
So, sir, yes, you are coming. तो यार यहाँ देखो, ये क्रिगिस में और वहाँ पे रशियन में कॉलेज का नाम लिखा हुआ है और ये रहा मेन एंट्रेंस, ये कुछ ऐसा एंट्रेंस। तो ये रहा एंट्रेंस और ये रहा यहाँ पे, ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। और सबसे पहले जब एंट्री करोगे ना, तो ये देखो इधर ये सिक्योरिटी का रूम बना है, नया नया बना है, आप उधर अपना जैकेट उतार सकते हो वहाँ पे। और जैसे ही एंट्री के ना साइड में, यहाँ पे रशियन और इंडियन फॉरेन डिपार्टमेंट की डीन ऑफिस है यहाँ पे। ये रशियन डिपार्टमेंट का डीन ऑफिस यहाँ पे है और जो रशियन डिपार्टमेंट के बच्चे हैं और जो फॉरेन डिपार्टमेंट के बच्चे हैं उनका सारा कुछ यहाँ पे, ये देखो लगा हुआ है। और ये रही डीन ऑफिस यहाँ पे, और बहुत सारे यहाँ पे कंप्यूटर लैब भी हैं, ये देखो कंप्यूटर लैब। ठीक है, और लाइब्रेरी, चलो मैं दिखाता हूँ। ये सारे लोकल्स बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, इधर लाइब्रेरी है एकेडमी की। तो यार देखो, जहाँ पे मैं आपको छोड़ दिया था वहाँ फिर लेफ्ट साइड में ना पड़ जाएगा बैंक, पड़ जाएगा हॉस्टल का, जहाँ स्टाफ का वगैरह निकलता है वो पड़ जाएगा। और ये हो गया सेकंड फ्लोर, यहाँ पे अभी इस फ्लोर पे एक लेक्चर हॉल है। तो सबसे पहले ये इस्टेब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी 1939 में, क्रिगिस स्टेट मेडिकल एकेडमी बिश्केक क्रिगिस्तान में। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट हुआ था वो 200 स्टूडेंट्स का हुआ था, जिससे कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मॉस्को मेडिकल यूनिवर्सिटी, हाई मेडिकल स्कूल ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, अल्माटी, ताशकंद और बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने इसको सपोर्ट किया था 1939 में ओपन करने के लिए। और इस यूनिवर्सिटी में अभी तक 1939 से अराउंड 12,000 स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के पास आउट हो चुके हैं। और अराउंड आप बोल सकते हो कि 1800 to 2000 स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, तुजमेकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट एंड उज़्बेकिस्तान, इन सारी कंट्रीज से कम नहीं तो 1800 से 2000 स्टूडेंट्स यहां से पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब और अभी एक दो साल में तो और भी इंक्रीज़ हो गए इंडियन स्टूडेंट्स यहां पे। 80 ईयर्स हो गए हैं हमारे कॉलेज के अभी, तो उसके लिए ये एक प्यारा सा स्टैचू टाइप का बना है थोड़ा सा, ठीक है। और यार यहाँ पे जब सेकंड फ्लोर पे एंट्री करोगे ना, तो सबसे पहले आपको जो दिखेगा वो है रिएक्टर की ऑफिस, जो उस रिएक्टर की ये ऑफिस है, वाइस रिएक्टर की वो ऑफिस है, ठीक है। ठीक है, और इधर आपको बहुत सारे ऑडिटोरियम, छोटे सा ऑडिटोरियम है एक आगे जाके राइट साइड में, और बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट पड़ जाएगा, क्लासेस इधर नहीं है बच्चों के। और जो लेफ्ट साइड में भी बहुत सारे, सो यहाँ पे जो फैकल्टी है वो है जनरल मेडिसिन, जो फॉरेन, जो यहाँ के लोकल बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। और एक जनरल मेडिसिन है जिसमें फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में है। फिर आपको डेंटिस्ट्री है यहाँ पे, यहाँ पे पीडियाट्रिक्स है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, ठीक है। और भी बहुत सारे हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन फैकल्टीज भी हैं इस कॉलेज में। सो यहाँ पे जो इस पूरे कॉलेज को चलाता है, जैसे कि जो मैनेजमेंट है, जो मेन मैनेजमेंट है, उसमें आपका रिएक्टर आ गया आपकी, और चार वाइस रिएक्टर हैं, जैसे वाइस रिएक्टर फॉर एकेडमिक अफेयर्स, वाइस रिएक्टर फॉर साइंटिफिक एंड मेडिकल वर्क, वाइस रिएक्टर फॉर लैंग्वेज एंड एजुकेशनल वर्क, वाइस रिएक्टर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट। सो ये एक रिएक्टर है और चार वाइस रिएक्टर है, ठीक है। तो ये, और हमारे कई सारे डीन भी हैं जो फॉरेन फैकल्टी की डीन है, यहाँ रशियन लैंग्वेज की डीन है, फार्मेसी की डीन है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी डीन हैं।
पासपोर्ट जमा होता है, डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं स्टूडेंट्स का, वो सारे इस फ्लोर पे मिल जाएंगे आपको। और प्रैक्टिस डिपार्टमेंट ये रहा सामने, और यहाँ पे देखो बहुत सारी कंट्रीज़ के फ्लैग लगे हुए हैं, USA वगैरह का, और बहुत सारी जर्मनी, बहुत सारी कंट्री के यहाँ फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, सेकेंड फ्लोर पे। जैसे ही आप थर्ड फ्लोर पे एंट्री करते हो हमारे मेन एकेडमी के, तो ये रहा हॉल, और इधर बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट ये है, और आगे जाके एक और डिपार्टमेंट है जैसे कि कंप्यूटर्स वगैरह के लिए, तो वो इधर है। और इधर हो गया फार्मा डिपार्टमेंट, ठीक है, इधर फार्मा डिपार्टमेंट हो गया, और आगे माइक्रोबायोलॉजी की डिपार्टमेंट हो गई। ये रहा कुछ ऑडिटोरियम हमारे कॉलेज का, अभी इसमें कुछ सही कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ इसका, और यहाँ पे काफ़ी चेंज हो गया है, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था उसके हिसाब से तो काफ़ी चेंज हो गया है यहाँ पे। ठीक है, बाहर वो पीछे कुछ काम चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही मैं बाहर निकला इस बड़े से हॉल से, तो यहाँ पे ऊपर में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है इधर, और इधर एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये सारा इधर सोशल मेडिसिन एपिडेमियोलॉजी, और इधर है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पे। ठीक है, और इधर मैंने आपको दिखाई दिया था कि यहाँ पे एक और लेक्चर हॉल है ऊपर में, इधर और इधर कहीं से भी आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा है, एक मिनट, मे बी लेक्चर हॉल खुला है, मे बी आपको मैं दिखा सकूँ अंदर का पार्ट। तो यहाँ से जब नीचे जाएंगे ना, ग्राउंड फ्लोर बोल सकते हो आप, ग्राउंड फ्लोर पे आपको स्पोर्ट्स का सब कुछ मिल जाएगा, जहाँ पे ये रहा टीचर्स का रूम है स्पोर्ट्स के, इधर और इधर रूम है। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का कोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा स्पोर्ट्स सेक्शन हमारे कॉलेज का मेन बिल्डिंग का, ठीक है ना, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की स्पोर्ट्स क्लास है अभी, और यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स भी रखे हुए हैं। ठीक है, और मेरा देख के आप सही कर सकते हो। अब हम चलते हैं बाहर, जहाँ कुछ स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड वगैरह है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो आ जाओ बाहर चलते हैं। हाय अनुज, कैसे हो? बढ़िया है, आप कैसे हो? क्लास है? हाँ, बार में क्लास। ठीक है, बस, हाँ सब बढ़िया। वो लोग कहाँ है श्रीमन? कहाँ है वो लोग? ओके, लेट्स गो। मतलब मुझे नहीं पता कि क्या बन रहा है ये, तो ये इसके पीछे वन नंबर हॉस्टल है, और ये नई एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है। मे भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं लेक्चर हॉल के लिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्लासेस के लिए। तो ये रही मेन बिल्डिंग, और मैं अभी इधर से लेफ्ट जा रहा हूँ फ्रंट से, और आपको लैंग्वेज बिल्डिंग और जो वहाँ पे एक प्लेग्राउंड है फुटबॉल का, बास्केटबॉल का, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा वहाँ पे। और मैं अभी जा रहा हूँ पीछे अपने कॉलेज के। ये देखो यहाँ पे यार, ये रहा फुटबॉल का एक ग्राउंड है यहाँ पे भी कॉलेज के। ये देखो मेन बिल्डिंग थी, मेन बिल्डिंग के लेफ्ट लैंग्वेज बिल्डिंग, जहाँ पे रशियन, लैटिन, क्रिगिस और इंग्लिश और डिफरेंट लैंग्वेज के, यहाँ की हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है बच्चों को जब यहाँ पे आते हैं बच्चे। तो इन सब का जो बिल्डिंग है ना मेन बिल्डिंग के पास, वो ये रही बिल्डिंग। ठीक है, लोकल्स की भी क्लास चलती है किसी किसी लैंग्वेज की, और सारी इन सब चीज़ों की। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये है लैंग्वेज बिल्डिंग। ठीक है,
और ये मेनली मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही बच्चों की क्लासेस इधर लगती हैं, थर्ड ईयर से इधर क्लासेस नहीं लगती हैं। फर्स्ट सेकेंड ईयर में सारी लैंग्वेज की जो भी कोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, सारे सब्जेक्ट्स। और इधर है देखो, एकेडमी के पीछे आ गए हम अभी, और यहाँ पे जिम वगैरह भी है हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज कर सकते हो वहाँ पे। देखो सारे बच्चे कुछ कुछ कर भी रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। और ये देखो, जो सबसे देखो ये एकेडमी का पीछे का पोर्शन हो गया और वहाँ पे वो जिम बना दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी एकेडमी की उधर मैंने दिखाया था जहाँ एक स्ट्रक्चर बन रहा था बिल्डिंग की, उसके पीछे ये वाली बिल्डिंग है वन नंबर हॉस्टल, ठीक है। यहाँ भी इंडियन बच्चे रहते हैं, फॉरेन डिपार्टमेंट के बच्चे रहते हैं। और उसके बगल में एक नया सा कोर्ट सा बना है फुटबॉल का, और ये बास्केटबॉल का दो कोर्ट है यहाँ पे। स्नो पड़ा हुआ है अभी यहाँ पे, आई थिंक इस पे धूप नहीं पड़ती है ना, तो स्नो ऐसे ही पड़ा हुआ है। इधर रहा ये पहले है बस वॉलीबॉल का कोर्ट, और उधर है फुटबॉल का कोर्ट, ठीक है। ये रहा मेन बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग के लेफ्ट राइट साइड में अगर पहले आगे से देखते हो आप तो यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, इस बिल्डिंग का। और ये वन नंबर हॉस्टल है, ठीक है। और इसी रूट से होते हुए अगर आप बाहर निकल जाओगे तो 7 और 8 नंबर हॉस्टल में पहुँच जाओगे। तो ये रहा 8 नंबर हॉस्टल, गर्ल्स का हॉस्टल हो गया है पूरा। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो ये कोएड हॉस्टल था, और नीचे इस तलो आया है, रेस्टोरेंट बोल सकते हो आप। तो ये रहा 7 नंबर हॉस्टल, और 7 नंबर हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल कगमा का। और ये नीचे यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर है जहाँ पे MCQ एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड। हाय, हाउ आर यू ब्रो? हाय, नाइस। ये जिशान, आपका पाकिस्तान से हो ना? हाँ जी। कहाँ से पाकिस्तान में? पंजाब से। पंजाब से हैं ये, मुझे फर्स्ट ईयर में इधर ही आ जाते हम। तो ये है जिशान, और ये मुझे फर्स्ट ईयर में हम मिले थे ना जी, मॉर्फो कॉर्पस के पास में, ठीक है। और यार अभी आई थिंक हम 3 साल बाद देखे ना एक दूसरे को जी। 3 साल बाद वो एक्चुअली मैं रास्ता भूल गया था तो आपने मेरी गाइडलाइन की। अरे नहीं नहीं कोई नहीं यार, तो हम 3 साल पहले मिले थे। और ये लाहौर से हो आप? पंजाब, सॉरी पंजाब से, पंजाब साइड से, मुल्तान से जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं ना यार, ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं। तो यार ये बहुत बहुत अच्छा लड़का है ये। ये जब फर्स्ट ईयर में आए थे ना तो ये एक्चुअली कहीं जा रहे थे तो ये रास्ता गुम गए थे, तो मैंने इनको रास्ता बताया था वहाँ पे कि ऐसे ऐसे चले जाओ। तो हमने कुछ 10-15 मिनट बात की थी तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे ये, ठीक है। तो यार जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर देखते हो ना, वो बस पॉलिटिकल और ये TV जो न्यूज़ वगैरह है ना इनके जैसे, ये लोग कुछ बढ़ा चढ़ा के भी, या मैं क्या बोलूँ अब, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तान के बच्चों से मैं मिलता हूँ, काफ़ी अच्छे हैं यार। मेरे कई सारे सीनियर्स भी थे, बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली इंडिविजुअल लेवल पे वैरी करता है ना कौन इंसान कैसा है, ठीक है, ऐसे जज नहीं कर सकते कि सारे लोग वैसे ही होंगे या कुछ लोग वैसे होंगे, इंडिविजुअल पे वैरी करता है कि कौन कैसा है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और यार आपको वीडियो पसंद आया, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आपको पसंद आया तो आप हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सी यू नेक्स्ट वीडियो।